हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारियां नूं, की हाल चाल जी। तो भाई आज फिर जा रहे हैं के मार्ट, क्योंकि आपने देख लिया जी चप्पल गैंग वालों की चप्पल टूट गई है, वो लाना जरूरी है। ठीक है, तो वही लेने जा रहे हो। एक हुडी लेनी है, कल बारिश हो रही थी रात में तो ये गीली हो गई थी, तो एक हुडी से काम नहीं चलता है, एक होनी जरूरी और चाहिए, तो लेने जा रहे हैं। तो भाई लोग एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो जगह है ना जहाँ पे गेम्स वगैरह हुई थी, ये है इनका मेला मैदान समझ लो, कोई भी मेला वगैरह होता तो इधर ही लगता है जी। ये लकड़ी लुकड़ी इन लोगों ने लगा रखी है, तो ये है प्रॉपर इनका मेला मैदान, ये देख लो, पेंटिंग पुंटिंग भी लगा रखी है इन्होंने। काफ़ी कुछ है जी इधर, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जी। ये देखो गजब है ये बंदा, तो जी इधर है पूरा पूरा मेले वाला सिस्टम। हवा भी बहुत चल रही है यार, पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को। ये जिसने भी टोपी टुपे लेनी देख लो, बाकी इधर सामान और कुछ भी है, काफ़ी कुछ है, आप देखें एंजॉय करें और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। आपने जी काफ़ी कुछ देख लिया, मेला लगा हुआ है, पता नहीं किस खुशी में लगा है, शायद मदर्स डे की खुशी में लगा है, तो लगा तो हुआ है मेला। ट्राई करें आप चीज़ों को। मेला तो लगा हुआ है लेकिन भाई इनके मेलों में इतनी भीड़ नहीं है, ठीक ठाक ही भीड़ है। अपने उधर तो बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, लेकिन इधर खुला डुला ही एरिया है, तो कोई इतना चक्कर नहीं है जी, ठीक ठाक है इनका मेला। हाँ जी, मेला देख लिया, अब जा रहे हैं हुडी ले लें और चप्पल ले लें, चप्पल बहुत ज़रूरी है जी। आ गए जी के मार्ट में, तो के मार्ट में देखनी है चप्पलें, चुप्पलें चप्पलें देख के लेके हुडी लेके फिर चलते हैं। तो जी ये हैं चप्पलें $4.50 की, ये अच्छी है यार, है तो ये अच्छी, लेकिन भाई ये 6 से 7 नंबर वाली हैं, हमारे आता है जी 8 से 9 नंबर, तो 8 से 9 नंबर ढूंढते हैं इसमें है कि नहीं है। अच्छी लग रही हैं ये और ये वाली, ये ज़्यादा सही है क्योंकि वो कलर थोड़ा वैसा है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। तो भाई लोग के मार्ट से आ गए बाहर, इसलिए आ गए बाहर कि वहाँ भाई अपने नंबर की चप्पल नहीं है, जो चप्पल है वो पसंद नहीं है। अब जा रहे जी बिग डब्लू, तो वहाँ देख के आते हैं। हाँ हुडी मेरे को पसंद है जी, हुडी यहीं से लेंगे, बाकी देख लेते हैं वहाँ अगर सस्ती पड़ गई तो वहीं से उठा लेंगे, बाकी कोई इतना श्योर नहीं है, देखते हैं क्या करना है। तो जी बिग डब्ल्यू में भी कर लिया एंटर, तो यहाँ भी देखते हैं हुडियाँ वगैरह, अगर यहाँ हुडी सही रेट पे है, अच्छे में है तो ले लेते हैं, नहीं तो मेरे को वो पसंद है जी वहाँ, वो मैं फिर दिखा दूँगा आपको जाके। तो जी बिग डब्ल्यू में तो है बहुत वैरायटी चप्पलों की, लेकिन पसंद वो थी, उसका साइज़ नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं इनका साइज़ है कि नहीं है, इनके पास तो काफ़ी साइज़ है, तो ले कर चलते हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि जूते हैं इजी और चप्पलें $1.50 की, कॉम्बिनेशन अच्छा है जी, पैसे बचाने चाहिए ना, एक बार जो लगाए हैं इस पे उस पे ना लगाने पड़े, $1.50 में सही है जी, काम चलेगा अपना। तो जी जिस बंदे को काम करना है ना रोड रोड पे, तो ये जूते ले लो, वो तारकोल वगैरह जो होती है, चारकोल होती है कि तारकोल होती है, जो भी वो डालने के लिए, बाकी इधर सेफ्टी शूज़ वगैरह भी हैं और दूसरे शूज़ हैं वो भी दिखाते हैं आपको। ये फॉर्मल्स हैं, ये कितने कितने के हैं, $29 के,
हाथ में चप्पल, लड़का व्लॉगर, ये सही है। ये इधर लड़कियों का सेक्शन है शायद, लड़कियों का, वो लड़कियों का ही है, लड़कियाँ घूम रही इधर। तो ये बच्चों का सेक्शन है, बच्चे और लड़कियाँ जो भी। तो लड़कों वाले सेक्शन में जाते हैं, शूज़ वगैरह दिखाते हैं आपको फिर से, हैं कुछ कि नहीं। बाकी जी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ से शूज़ वगैरह लो, क्योंकि ये ब्रांड वगैरह के होते नहीं, मेरे हिसाब से इतने चलेंगे नहीं। तो एक बार पैसे लगा के $60-70 एडिडास या नाइकी के पास चले जाओ, वहाँ से ले आओ तो ज़्यादा बेटर है। और मेरे को अपना वैंस के शूज़ लेने, अच्छे लगते हैं वो वैंस वाले। तो जी वैंस के शूज़ तब लेंगे जब यूट्यूब की कमाई चालू हो जानी है, जब यूट्यूब की कमाई आ जाएगी तो देखते हैं। वैंस के शूज़ थोड़े महंगे हैं, लेकिन मेरे को तो जी बड़े अच्छे लगते हैं। आपका भाई लेगा, फिर आपको दिखाएगा कैसे हैं, क्योंकि जी आपके भाई को बड़ा शौक है जूतों का, तो वो जूते अच्छे लेते हैं। अब एडिडास यीज़ी लेने की क्षमता नहीं थी तो उसकी कॉपी ले ली, तो कॉपी बड़ी महंगी पड़ी जी। मैं $3400 की कॉपी, $3400 नहीं, ₹3400 की कॉपी थी, मैं इंडिया से मैंने ख़रीदे थे, बाकी फेरल विलियम्स अपने ओरिजिनल हैं जी, वो लिए हैं 7,500 के। बिलिंग करवा लें फिर बात करते हैं आपसे। नहीं जी अभी बिलिंग नहीं करवानी है, बिलिंग बाद में करवाएंगे, पहले मेरे को देखना है परफ्यूम या डीओ। अपना हो गया जी ख़त्म, नहाते हम लोग ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा नहाते हैं नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है मेरे को। तो देख लेते हैं, एक रूम फ्रेशनर की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका भाई बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई रखता है, आपने देखा ही वीडियो में, तो वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेरे को। तो लड़को ये देख लो, निविया मेन है $9 की, या तो इंडिया से ले आओ नहीं तो यहाँ आके फूक लो पैसे। ये बियर्ड प्लस फेस वॉश है जी, बियर्ड तो हमारी है नहीं, फेस वॉश, फेस वूस इतना अच्छा है नहीं, तो ज़रूरत नहीं फेस वॉश की, क्योंकि अपने पास है, इंडिया वाला है अभी चल रहा है। चप्पल गैंग वालों, चप्पल तो ले ली है $1.50 वाली, तो अब डिओडोरेंट वगैरह मैंने लिया नहीं है, वो के मार्ट से देखें, क्योंकि वहाँ से हुडी भी लेनी है ना। अब जा रहे जी थोड़ा इधर बुलवर्थ में, ले लें कुछ खाने के लिए। समझ गए होगे ना देख के कि क्या लेने आए हैं, तो बस जी यही लेने आए हैं। मदर्स डे के चक्कर में बाबू लोग, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है आज, जगह मिलनी मुश्किल है जी, ये देखो पूरी भीड़ लगी हुई है भाई लोग। वो जो दूसरी वाली चीज़ थी ना वो भी ले आए हैं, तो अब जा रहे हैं जी बस हुडी ले लें और डीओ वगैरह कुछ ले लें, और रूम फ्रेशनर अगर लेने की ज़रूरत हो तो देखते हैं, बाकी कोई श्योर नहीं है, देखते हैं क्या करना है। तो भाई अपना एक सीन में बता दूँ कि पहले मैं यहाँ ट्राई करता हूँ के मार्ट में, फिर मैं जाता हूँ बिग डब्ल्यू, अगर वहाँ पर कोई सस्ती चीज़ दिखती है तो वहाँ से ले लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ वापस आके। तो दोनों जगह ट्राई करनी ज़रूरी होती है जी, ट्राई कर ले करो आप लोग भी। आ तो गए हैं जी, ये ले आए हैं और ये ले आए हैं, लेनी ये है, ये खाली पहन के देखनी है टॉर मारने के लिए, देख लेते हैं कैसी लगती है, महंगी बहुत है, 35 की है ना इसलिए नहीं ले रहे, ये लेंगे। इसमें तो मेरे को खुद लग रहा है कि मैं हीरो लग रहा हूँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा, फीलिंग आ रही है, लेकिन भाई बहुत महंगी है, 35 की है, बाद के लिए छोड़ देते हैं, अच्छी लग रही है वैसे, ऑरेंज कलर है ना अंदर, फेवरेट कलर है मेरा, तभी अच्छी लग रही है, बाकी ये बाहर ही फौजी वाला कलर वैसे भी अच्छा लगता है अपने लोगों को। ये भी ठीक ठाक ही है, लेकिन ये चीज़ भाई, लेकिन वो 35 की है, 18 की है, तो समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, देखते हैं सोचते हैं। एक ये तो लेनी है ना, अभी पैसे नहीं है, वो भी ले लेंगे, देखते हैं उसका क्या करना है। काफ़ी सोचने और विचारने के बाद डिसाइड कर लिया है कि यही ले लेते हैं, अच्छी लग रही है इसलिए ले रहे हैं, बाकी तो इतना सीन नहीं है। बाय बाय। के स्केटबोर्ड का पूछने वाली जनता, देख लो जी $10-10 में है, 35 में भी हैं,
ये 35 का है, और बाकी और महंगे भी जाते हैं, ये इतने महंगे नहीं है जी, सही रेट में जी, 35, 10 और 45। तो जनता आप लोगों को बता दें कि उसका प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि अकाउंट में देखा तो पैसे कम थे। कम क्या जी, मतलब खर्चे भर के पैसे हैं, इस टाइम का धंधा मंदा चल रहा है, तो इसलिए ये वाली ले ली है, इसी से गुजारा चलाएंगे। जब हो जाएंगे पैसे तो YouTube के पैसे से अब मैंने सोच लिया दो चीज़ें लेनी है जी, एक वो जैकेट और दूसरे वैंस वाले शूज़। वैंस वाले नहीं, मतलब वैंस कंपनी के शूज़, वैंस ब्रांड के शूज़, बिलिंग करवा के मिलते हैं जी आपसे। घर आ गए भाई लोग, तो अभी आपको दिखा देते हैं क्या क्या लाए हैं। वैसे आपको पता ही है क्या क्या लाए हैं, तो महंगी वाली नहीं लाए जी, वो बहुत महंगी थी, कब मैंने आपको बता दिया कब लेनी है, ले लेनी। ये जी हुडी अपनी इतने की है, 18 की। ये चप्पल है जी अपनी $1.5 की, महंगी महंगी भी थी लेकिन ये ली है। बाकी मेरे को पसंद तो वो दूसरी वाली थी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि यार उसमें साइज़ नहीं था अपना, 8 नंबर आती है तो वो उसमें 6-7 तक थी। और ये वाला मैंने उनसे पूछा था कि ये ले जा सकते हैं कि नहीं या उतारना है आपने, वो बोले कि आप पे डिपेंड करता है, आपने ले जानी है ले जाओ। मैंने कहा तो हम फ्री वाली चीज़ कोई नहीं छोड़ते जी, तो हम लोग उठा लाए। और उसके बाद जी ये इसकी तो बात ही छोड़ दे, तो डेली का काम हो गया। और जी एक ये ले आए, बस इतना कुछ लाए हैं जी, काम 25। अब थोड़ी बात और करनी है, और बात ये है कि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है और पेट्रोल का क्या रेट है। ठीक है जी, तो पेट्रोल का मैं आपको बता दूं जी, $1.40 से लेके $1.50 के बीच में रहता है। मतलब मोस्टली ये रहता है कि 45 और 47, $1.45 या 47 सेंट, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाता है और इसके नीचे भी नहीं आता है। और जो बिजली का बिल है जी आपका 3 महीने का आ जाता है लगभग $100 के समथिंग, या 3 महीने के हिसाब से ही आता है आपका बिल जो बिजली का है। तो जिन्होंने घर ले रखा है, मैंने उनसे पूछा था आपका कितना आता है, तो उन्होंने बताया था कि हमारा 3 महीने का $100 तक आ जाता है। तो आप अपना हिसाब लगा लें कि अगर आपने घर लेना है तो कितना आ जाएगा। बाकी जो भी बंदा यहाँ के रूम वगैरह ले रहा है तो ठीक है, हॉस्टल में रह रहा है तो भी ठीक है, जिसने घर लेना है ना तो वो अपना कन्फर्म कर ले कि आपका कितना रेंट आ जाना है। बिजली का भी लगा आपको देना पड़ेगा, पानी का भी देना पड़ेगा, और जो डस्टबिन उठाने वाले आते हैं ना, बिन उठाने वाले, उनका भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको कुछ नहीं देना है, बाकी बात वहीं पड़ती है, क्योंकि हॉस्टल में ज़्यादा रेंट देना पड़ जाता है कई बार, जैसे अब मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला रह रहा हूँ तो मेरे को प्राइवेसी जरूरी है, क्योंकि मेरे को वीडियोज़ वगैरह शूट करनी होती हैं। बाकी ये खुली है कबर्ड, कुछ नहीं है ये इसमें ऐसा कि दिखाने लायक, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो आप अपना हिसाब किताब लगा लें कि कितना आपको खर्चा हो जाना है, तो अपना एस्टिमेट लगाएं, उसी के बाद ही आप घर घुर लेने की सोचें। बाकी जो आपके साथ आ रहे हैं बंदे, तो उनके साथ आप थोड़ा बहुत बात बूत कर लें, या अपनी यूनिवर्सिटी आएँ तो उनसे मिल लें कि भाई सस्ते में मिल जाएगा रूम अगर एक साथ में रहेंगे। तो ज़्यादा लोग एक साथ में रहोगे तो आपको बेनिफिट है, आपके खर्चे कम हो जाने। तो उम्मीद करते जी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, बाकी आप ब्लॉग बता देना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वो जैकेट ली जाएगी, टाइम आने पर ली जाएगी। बाय बाय।